नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुल एजुकेशन सपोर्ट में। तो ये पार्ट टू है, इंट्रोडक्शन पार्ट टू एडवर्टाइजिंग का। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन में लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो हमारे दो ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हम एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं। तो पहला जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है, टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। क्या होता है, कभी कभी हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं हमें इंट्रोड्यूस करना होता है, ये तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट हो गया। जो हमें कस्टमर को बताना पड़ता है कि ये न्यू प्रोडक्ट आया है, आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। सेकेंड वन आता है टू इम्प्रूव सेल। कभी कभी हमारी जो सेल्स रहती है, फॉर एग्जांपल हमें और इम्प्रूवमेंट करनी होती है, तो हम लोग हमारे एडवर्टाइजिंग करते हैं कि आप ये स्टॉक में है, ये सेल लगा हुआ है 90% ऑफ 50% ऑफ, क्योंकि हमें स्टॉक क्लियर करना पड़ता है। टू इन्फॉर्म कस्टमर, कस्टमर को हमें इन्फॉर्म भी करना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट जैसा कि अभी न्यू आने वाला है, जैसे MI और Redmi पहले ही बुकिंग चालू कर देते हैं, प्री बुकिंग जैसे बोलते हैं, तो इन्फॉर्म कर देते हैं कस्टमर को कि लिमिटेड एडिशन है, आपको पहले से ही बुक करना पड़ेगा। टू इन्फॉर्म अबाउट अ स्कैसिटी ऑफ गुड्स। क्या होता है, कभी कभी इतना सेल हो जाता है कि गुड्स की बहुत स्केर्सिटी आ जाती है, तो पहले ही जो अगर कस्टमर हमें कंप्लेंट करे, उसके पहले ही अगर हम लोग कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर दें कि प्लीज़ अभी प्रोडक्ट जो है वो हमारा ख़त्म हो गया है, हम लोग मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं, जैसा कि MI करता है, जैसे सेल लगती है तो उसका सेल में जल्दी जल्दी फ़ोन चला जाता है, फिर वो 24 डेज में, मतलब एक वीक में, दो वीक में न्यू सेल्स लाते रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू प्रोडक्ट आया Redmi Note 7 Pro, तो वहाँ उन्होंने क्या किया कि 5 मिनट के सेल में उनका सारा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, फिर 15 दिन बाद रखा, फिर 20 दिन बाद रखा, तो हमें लेकिन उन्होंने इन्फॉर्म करते गए, वहाँ पे डिस्प्ले करते गए कि जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक जा चुका है। टू एजुकेट द पब्लिक, सबसे पहले हम लोग कोई भी प्रोडक्ट क्यों लेंगे कि हमें उसके बारे में पता होगा, इवन तो हमारी पेंसिल्स के बारे में हमें पता होगा तभी हम लोग उसका पूरा लेंगे, मतलब उसको खरीदेंगे, तो हमें एजुकेट करना पड़ता है कस्टमर को। तो एडवर्टाइजिंग इज़ द बेस्ट मेथड फॉर एजुकेट द पीपल्स। लाइक जैसे डेटॉल साबुन का देख लीजिए कि 99% ऑफ जर्म्स वो मारता है, तो हमें उससे पता चलता है, तो हम नॉर्मली लेते हैं और उसमें क्या क्या है, क्या मिक्स है, तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। टू बिल्ड अ ब्रांड इमेज, जो F नंबर में आता है कि हमें एक पर्टिकुलर अपना ब्रांड का इमेज चाहिए, वरना हम लोग प्रोडक्ट सेल करते रहे। जैसे डेटॉल एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है, और पतंजलि बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है, रिलायंस बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है। अभी क्या होता है, हम रिलायंस के प्रोडक्ट लेने जाते हैं और उसकी इमेज बहुत अच्छी है सबके नज़रों में, तो हमें पहले से ही भरोसा रहता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा रहेगा। नेक्स्ट में आते हैं B, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, टू मोटिवेट अ मिडल मैन। जो हमारा जो सेल्स पर्सन रहता है, तो उसको हम लोग प्रॉफिट मार्जिन देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रियल इस्टेट के बिजनेस में हैं, तो हम लोग ऐसा एडवर्टाइजिंग करेंगे कि हमें एजेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, कि हम लोग हमेशा कस्टमर को कन्वे तो नहीं कर सकते, कभी कभी मिडल मैन को भी कन्वे करना रहता है। तो फॉर एग्जांपल अगर वो हमारा फ्लैट 50 लाख रुपये का बिकवा रहा है, तो हम उसे 1 या 2 लाख रुपये दे देंगे, जिससे मिडल मैन भी खुश हो जाएगा और वो भी मोटिवेट रहेगा। फॉर एग्जांपल हमारे जो एम्प्लॉय रहते हैं, उनको हम लोग बोनस देंगे, ये देंगे, तो हमें हमारा सेल्स, हमें जो हमारा जो सेल्स है वो अच्छा हो जाएगा। टू एक्सपांड मार्केट, अभी जैसे कि आप देख रहे हो टाटा ने कितना बड़ा एक मार्केट कैपिटल बना लिया, उन्होंने 190 कंट्रीज़ में अपनी कंपनियां ओपन कर डाली है, क्योंकि वो एक्सपांड कर रहे हैं, वहाँ के लोकेलिटी में जाते हैं, वहाँ की वो बातें सुनते हैं, वहाँ का नेचर देखते हैं और वहाँ पे अपना मार्केट एक्सपांड करते हैं। टू फाइट अगेंस्ट नेगेटिव एटीट्यूड, क्या होता है कस्टमर्स को कभी कभी मतलब जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको लग जाता है कि हमसे बेस्ट कोई सेल्समैन है ही नहीं, तो उनको हमें बताना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं होता, अगर हम लोग ऐसे ही इसमें रहेंगे कि हमारा ब्रांड का इमेज, हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, तो वो कस्टमर धीरे धीरे कस्टमर लॉयल्टी जाती रहेगी, तो हमें कस्टमर को बार बार इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि नहीं हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, वरना कस्टमर अगर किसी और ब्रांड की ओर चला जाता है एक बार, तो वो रिटर्न नहीं आता। टू असिस्ट अ सेल्समैन, कभी कभी जो न्यू फ्रेशर्स रहते हैं उनको पता नहीं रहता कि कैसे सेल्स करते हैं, और मतलब जो न्यू प्रोडक्ट के बारे में वो ज़्यादा जानते नहीं, तो अगर ऑलरेडी हम लोग ने मार्केटिंग करके रखी है, तो नॉर्मली कस्टमर आएगा और वो हम नॉर्मली वो सेल्समैन उसको बोलेगा कि आप ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो सेल्समैन को एडवर्टाइजिंग ऑलरेडी असिस्ट कर देता है अपने प्रोडक्ट सेल करने में। टू इम्प्रूव एम्प्लॉय मॉरल, अभी कभी भी देखिए कि जो इन्फोसिस में पब्लिक काम करती है, जो टाटाज में
काम करती है, इनके कुछ मोरल वैल्यूज़ है कि मतलब हाँ टाटा कंपनी हमें ये इंश्योरेंस दे रही है, हमें ये हमारा ये करवा रही है, मतलब हमें अच्छा सर्विस देती है। देखो पैसा तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन जो अगर हम लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं किसी कंपनी के साथ, तो उस कंपनी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो टू इम्प्रूव एम्प्लॉय मॉरल, जैसे अभी आप देखोगे तो टाटा एडवर्टाइज, स्विगी कितने सारे एडवर्टाइजिंग निकलता है। रिसेंटली अभी ओला कैब ने क्या किया कि जो ओला राइड ड्राइवर जो रहते हैं उनके लिए एडवर्टाइजिंग निकाला था कि उनको अच्छा लगे, उनको अच्छा फील हो कंपनी के साथ। तो टू इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल, इसको आप समझ जाए। टू न्यूट्रलाइज द कॉम्पिटिटर एडवर्टाइजिंग, क्या होता है कि जो न्यू कस्टमर्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पर्टिकुलर प्लेस में जाते हो नए नए रहने, और वहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिलते, आपको दूसरे प्रोडक्ट है, तो दो अगर दो तीन ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो जो एडवर्टाइजर और जो बिजनेसमैन आपको दिमाग में डाल देगा कि भाई यही प्रोडक्ट अच्छा है, बेस्ट क्वालिटी है, तो वो इफेक्टिव होगा। तो टू न्यूट्रलाइज कॉम्पिटिटर, जो बाहर वाले एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं हमें, हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो हमारा अच्छा होना चाहिए और हमारी सेल्स ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।